नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MLM ज्ञान ही ज्ञान पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि कई लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 30% टैक्स लग गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो अब हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अब क्रिप्टो करेंसी में कोई भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको 30% यहाँ पर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात हम इसके ऊपर करने वाले हैं और आपको कुछ और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, ताकि इसमें लेके के जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ गलत फहमियाँ चल रही हैं, कुछ इसके मतलब पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, 20 से इसके मत कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल सके और पहले जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं हम जो गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स यहाँ पर अनाउंस किया था, और वो कल की डेट से शुरू हो चुका है। 30% डेट में आपका यहाँ पर टैक्स काउंट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत कुछ आपको डिटेल्स में बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पर कि 30% टैक्स जो लगा दिया है, तो इस पर कई लोगों के यहाँ पर रिप्लाई आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स लगा दिया है तो अब हम इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, अब कोई भी हम यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे तो अब हम क्या बचाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर अर्निंग करेंगे। तो दोस्तों, वो लोग ये भूल रहे हैं कि टैक्सेस जो लगाए गए हैं, 30% जो आपको टैक्स देना है, वो आपको अपने जो प्रॉफिट यहाँ पर आप बनाएंगे उस पर पेड करना है। तो अगर हम प्रॉफिट बनाएंगे और अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तब हमें इसके ऊपर यहाँ पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि हम 30% टैक्सेस से कैसे कैसे बच सकते हैं और कैसे अपना हम इसको ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर 30% टैक्स दोस्तों आपके पास लग रहा है, तो ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि हम यहाँ पर अब इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे या पर हम अब ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आइए, और 30% आपको तब देना होगा जब आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट यहाँ पर विड्रॉल करते हैं, तब आपको यहाँ पर 30% टैक्स देना होता है। दोस्तों, आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते रहिए, अपने अकाउंट्स को यहाँ पर लगाइए, अपने ट्रेड लगाइए, यहाँ पर बेनिफिट कमाइए, और जितना ज़्यादा ज़्यादा अपना अर्निंग कर पाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग बढ़ाइए, क्योंकि 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इसके चक्कर में हम अपना 70% का क्यों लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 70% बढ़ाने की सोचिए, 70% यहाँ पर बहुत होता है। 30% गवर्नमेंट को देने के चक्कर में हम अपना 70% भी कमाना छोड़ दें तो ये एक कोई समझदारी का काम नहीं होता है। दोस्तों, आप यहां पर इन्वेस्ट करिए, क्रिप्टो करेंसी में आइए, लॉन्ग टर्म सोच के चलिए, और हो सके जितना इन्वेस्ट करें वो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे इन्वेस्ट करें। जैसा कि दोस्तों, अभी एक मैंने पिछले कई वीडियोस में एक टोकन के बारे में यहां पर बता रखा है, LPNT टोकन। तो LPNT जो है यहाँ पर है टोकन, ये दोस्तों देखा जाए तो इस जो टैक्सेस का यहाँ पर सीन है, इसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 30% जो टैक्स यहाँ पर आप दे रहे हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं होता क्या है, इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन जैसे थोड़ा प्रॉफिट गेन करते हैं वो उसको सेल कर देते हैं, तो सेल करने के जब बार बार इसको सेल करेंगे तो आपको बार बार यहाँ 30% देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जितना लॉन्ग टर्म आप चलेंगे और क्रिप्टो करेंसी में आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उसमें ही ज़्यादा अर्निंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन जब शुरुआत में 2009 में जब आया था, उस टाइम कई लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, बहुत से लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे जब वो 36 पैसे का था, तब कई लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन जब वो बीच में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में जब हुआ तो कई लोगों ने उसको सेल भी कर दिया होगा, पर दोस्तों वो लोग वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मुनाफा लेकर बैठ गए, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने उसको आज तक होल्ड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं बिटकॉइन जिन लोगों ने आज तक के लिए होल्ड किया हुआ है उनके पास कितना अच्छा यहाँ पर अर्निंग हो चुकी है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो है
अगर आपको एक बड़ी अर्निंग करनी है, बड़ा अर्निंग इकट्ठा करना है, तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। तो LPN टोकन जैसे कि देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टोकन मार्केट में चल रहा है और इसका यूटिलिटीज बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। आगे आने वाले टाइम पे इसका जब यूज़ बढ़ जाता है और इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, सप्लाई इसकी लिमिटेड है, तो इसका भी प्राइस दोस्तों बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों हो सके तो LPN टोकन आप बाई कीजिए। किस तरीके से बाई करते हैं, कहाँ से इसको बाई करना होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और इसको बाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जब आप स्टेक कर देते हैं तो आपको उस टाइम पीरियड में भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। वो बेनिफिट्स कैसे होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी में आइए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा आपको यहाँ पर अर्निंग हो जाती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप कमाते जाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो छोटा होगा, रिटर्न जब आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर तो 30% देने के बाद आपके पास जो 70% जो वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रतिशत है वो आपको हिस्सा मिलेगा, तो आप यहाँ पर ज़्यादा कमाएंगे। तो दोस्तों परेशान मत होइए, क्रिप्टो करेंसी पर अगर 30% टैक्स लगा है तो एक आपको यहाँ पर रास्ता मिला है अपने आप को आगे लेके चलने का, आगे बढ़ाने का, तो इस पर ध्यान दीजिए। और क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, यहाँ पर कोई भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। बस समझदारी के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करें और जितना ज़्यादा लंबी ट्रेड अगर लें तो उससे बढ़िया आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ हद तक अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके टीम मेंबर्स को शेयर करना चाहते हैं या किसी भी आपको आप शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ, कुछ नए प्लान्स के साथ मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।